उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार दो दिन में दो युवकों की हत्या ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो दूसरे दिन पुलिस की घोर लापरवाही के चलते वकील खान नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ताजा मामला विष्णुगढ़ थाने के अलाहापुर गांव का है। यहां रहने वाले मृतक वकील खां कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले अरुण यादव से मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत वकील खां ने पुलिस को की थी। मृतक वकील खां के परिजनों ने विष्णुगढ़ थाने की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले अरुण ने वकील को पीटा था, जिसकी शिकायत पुलिस को की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण वकील की हत्या हो गई। क्या मामला हुआ था, कैसे क्या हुआ था? लड़ाई भाई थी, दो तीन दिन हुई, 8 दिन हुई कम से कम। जब मेरे पापा थाने में गए हैं, रुपया होते तो मेरे कुछ सुनते, रुपया तो होते ना तो सुनी तो ना आए ने कहा आए एक ना बस फिर बिल्कुल ही नहीं आए। और पापा एक दुमा अपली कह रहे गए तो उन्हें गाड़ी आ रही थी, जाके पकड़ दे, हम कहाँ से पकड़ दे यार। किसने गाली दी? मित्रा मित्रा आए भी कौन है, कौन है ये? पुलिस वाले हैं। थाने में गाली दी थी? हाँ। फिर कि तुझे ही पकड़ के अंदर डाल दूंगा, तेने का कह दी, और बगैर मेरे पापा का नाम बचाए तो हूँ यहाँ कत ही सुनवाई नहीं करी, मेरे पापा ने एक नहीं सुनवाई करी। आपने पुलिस को बोला नहीं था कि मेरे पिता की कहीं? खूब साहब कही थी, साहब कहा तो कि हम गोली मारती खूब कहीं पर बेलोग एक बार आए जरा बिल्कुल नहीं आए बिल्कुल। आप कैसे हत्या की, किससे मारपीट की, कैसे की? अब पता है साहब, शाम को यहाँ था का नाम चाचा गाने हम लोग अपने बैठे थे, एकदम जे लोग चाचा मेरे कन्नौज का कन्नौज से लौट गया है, और वो तब से इनके अरुण लिवा लिए अपने संगे संगे इनके हुई है। फिर तो चाचा खूब बुला पर भी आए ने मेरी दादी बुलाने के, लेकिन तो जा कही थी चाचा मेरे जाओ लड़का आए तुम्हारा जाओ तुम्हें कचू ना मरे, तो अरुण जा कही जाओ तुम घर में तुम हम मार तो न डरे मार तो न डरे। अब आने अपने मिल की मुराद पूरी कर ली, मारी डाल हूँ तो ले आओ ये मार डाल। अगर मेरे 3 रुपया आता 5-6-7 लाख तो जी सब लोग मेरी सुन लेते, मेरे 3 रुपया ना कोई ना मेरी सुनी, मेरे चाचा को मारी डाल हो इतनी बुरी तरीका। किसने नहीं सुनी? कोई ना पुलिस ने सुनी, कोई ना सुनी मेरी बात, मेरे 3 रुपया हम आए तेरे खेत लाए अपने ऐसे ही मजदूरी करके खा जाएंगे। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने फोरेंसिक टीम से साक्ष्य इकट्ठे कराने शुरू कर दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजन के आरोपों की जांच कराई जाएगी। ये वकील खा है, ये उम्र लगभग 40 साल है और अविवाहित थे। ये थाना बिशुनगढ़ के अंतर्गत रानापुर गाँव आता है, जहाँ पर इनका कुछ 2-3 दिन से विवाद था, जिसमें एक अरुण यादव पे आरोप है कि इन्होंने पहले बुलाया था शाम को और इसके बाद इनकी हत्या कर दी। बॉडी को देखने से इसमें गले में और जगह चोटों के निशान हैं। इसमें हमारी फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड वगैरह आया है, पूरी हम लोग जांच कर रहे हैं और तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। जैसा सर परिजनों का आरोप है कि इनकी एक हफ्ते पूर्व लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उन्होंने तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसा किया होता शायद आज इनको की जान लग जाती। बताते हैं कि इन्होंने एक NCR लिखाई थी, इनके भाई ने एक NCR लिखाई थी और उसी पे इनका आरोप है इस तरह का, इसकी भी जाँच की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।